हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर अभी अपने मोबाइल में मैसेंजर चलाते हैं तो अपने मैसेंजर में ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आप अपने मैसेंजर में चैट ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल में मैसेंजर को ओपन कर लेना है। मैसेंजर को ओपन होने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग देखने को मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू ग्रुप, हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से अपने फ्रेंड को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। हम लोग जिन फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं किसको ऐड करना चाहिए यहाँ से मैं क्लिक कर लिया। चलिए मैं इतना फ्रेंड को मैं ऐड कर लेता हूँ ग्रुप में। तो हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ऐड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ग्रुप का नाम डालेंगे। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो, हम लोग चलिए मैं यहाँ पर ग्रुप का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर नाम डालने के बाद हम लोग क्रिएट पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रुप ये न्यू ग्रुप हम लोग का बन गया। देखिए आईडी हमें ग्रुप का नाम दिया था। यहाँ पर मैसेज करेंगे तो सभी फ्रेंड के पास चला जाएगा ये मैसेज। हम लोग इसी तरह से न्यू ग्रुप अपने मैसेंजर में बना सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ वो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।